Skoda India has recently updated its flagship SUV, Kodiaq, with BS6 Phase 2 engine. Now with the engine update, Skoda has updated few minor things in the flagship SUV as well. Also, today we are driving this SUV in the beautiful Lonavala in this rainy weather. I am your host Shapranshu, you are watching 91 Wheels, so let's start this review. सो अगर आप बात करें इसके एक्सटीरियर डिजाइनिंग की तो एक्सटीरियर डिजाइनिंग में कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट प्रोफाइल में सिमिलर एक क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है ग्रिल के सराउंडिंग्स में। उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे ग्रिल में स्लैट्स मिलते हैं उनमें भी आपको यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। बम्पर्स को भी सिमिलर रखा गया है और थोड़े से चंकी बम्पर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं टू गिव इट अ प्रॉपर एसयूवी लुक। साथ में अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, उसके साथ ही एलईडी डीआरएल्स और यहाँ पे एलईडी फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। साइड प्रोफाइल्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स विद 235/55 सेक्शन टायर्स। यहाँ पे लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग जो स्कोडा कॉडिया के तीन वेरिएंट में से एक है। साइड प्रोफाइल में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, गाड़ी के डायमेंशंस के साथ कोई ऑल्टरेशंस नहीं किए गए हैं, तो ओवरऑल जो एक्सटीरियर लुक है वो आपको सिमिलर मिलने वाला है प्रीवियस जनरेशंस की तरह ही। जो मेजर चेंज यहाँ पे किया गया है वो है इसके इंजन में। इसका इंजन अब हो गया है BS6 Phase 2 compliant, तो इसके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है एंड थोड़ी एफिशिएंसी भी इसकी बढ़ी है, जिसकी हम बात करेंगे अभी अपने परफॉर्मेंस सेक्शन में। रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको एक सिमिलर रियर प्रोफाइल मिलता है, बट यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्पॉयलर ऐड हो गया है जो गाड़ी के ओवरऑल लुक को और एनहांस कर देता है। यहाँ सेंटर में आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे कोडियाक की बैजिंग एंड इसके साइड में ही 4x4 की बैजिंग। तो ओवरऑल जो रियर है वो भी काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस जनरेशन से, मेजर चेंजेस यहाँ पे भी नहीं किए गए हैं। स्कोडा कोडियाक के फीचर्स की बात है, ये काफ़ी फीचर रिच एसयूवी है अपने सेगमेंट की। इसमें आपको मिल जाता है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, उसके साथ ही 12 स्पीकर कैंटन का म्यूजिक सिस्टम। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पे आपको एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शो करता है। उसके साथ ही साथ नेविगेशन मैप भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखने को मिल जाता है। और अगर फीचर्स की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमेटिक IRVM, पैनोरामिक सनरूफ और भी काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे गाड़ी के प्रीमियमनेस को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में स्कोडा कोडियाक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने सेगमेंट में। स्कोडा कोडियाक यूरो NCAP 5-star रेटेड SUV है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मिलते हैं 9 airbags, ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट विच इज हैंड फ्री पार्किंग बेसिकली, तो अगर आप कहीं टाइट पार्किंग स्पॉट्स में हैं तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और गाड़ी अपने आप एक स्पेस आइडेंटिफाई करके वहां पे पार्क हो जाती है। उसके साथ ही साथ आपको मिलता है सराउंड व्यू कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर। कोडियाक की जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है पावर एडजस्टमेंट, तो आप अपनी सीट की हाइट और रिक्लाइन एंगल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है ड्राइवर सीट के लिए और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्लश फीलिंग मिलती है सीट पे, तो सीट ओवरऑल काफी कंफर्टेबल है। ऐसे ही पीछे वाली सीट जो है वहाँ पे आपको नेक सपोर्ट मिल जाता है जो कि हेडरेस्ट के साइड में लगा हुआ है, आप उसे निकाल के अपना नेक सपोर्ट भी वहाँ से ले सकते हैं, वो अभी हम जब पीछे जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें स्कोडा कोडियाक के सेकंड रो की तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल AC यूनिट यहाँ पे आपको पीछे मिल जाता है, उसके साथ ही साथ उसके नीचे आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और इस बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ की वजह से कैबिन का जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ क्वर्की फीचर्स जो स्कोडा कोडियाक में आपको मिलते हैं वो है एक ये नेक सपोर्टर,
जो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ताकि आप अगर लॉन्ग रन पे जा रहे हैं तो आपके नेक पे स्ट्रेन ना पड़े वाइल रेस्टिंग ऑन द रियर सीट। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सन। रियर सीट थोड़ी रिक्लाइन हो जाती है तो और आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे सीट्स के नीचे थोड़ा सा एक स्टैंड टाइप दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकें और लॉन्ग ड्राइव्स पे आपको ज़्यादा कंफर्ट फील हो सके। तो अब अगर बात करें इसके इंजन परफॉर्मेंस की, क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो कोडियक में आपको वही 2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो पहले मिलता था, बट ये इंजन अब BS6 फेस 2 कंप्लायंट है, तो ये ज़्यादा रिफाइंड है और अकॉर्डिंग टू द ब्रांड 4.2% ज़्यादा एफिशिएंट है। इस इंजन की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 190 PS का पावर एंड 320 Nm का पीक टॉर्क। और इस इंजन के साथ आपको जो एक सिंगल ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है वो है 7-speed DSG ट्रांसमिशन, विच इज़ डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है हाईवे कंडीशंस पे, गियर चेंजेस काफ़ी स्मूथ होते हैं, आपको कोई गियर शिफ्ट पता नहीं लगेंगे, जो DSG ट्रांसमिशन के एक USP रही है हमेशा से ही। प्लस जो इंजन का पीक पोटेंशियल है वो आपको पता लगता है 3000 to 5000 RPM के बीच में, जहाँ पे आप इंजन के साथ बहुत ही खुश फील करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें गाड़ी की हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, स्टेयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, स्टेयरिंग ज़्यादा लाइट नहीं है, गाड़ी बड़ी है हैवी है उसके हिसाब से स्टेयरिंग वेल बैलेंस है, ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा हार्ड है, तो आपको हाईवेज पे मनूवर्स करने में या सिटी में मनूवर्स करने में कोई भी इश्यूज नहीं होने वाले हैं। नाउ डायनेमिक चेजी कंट्रोल हेल्प करता है गाड़ी की डैम्पिंग को एडजस्ट करने में डिपेंडिंग ऑन द ड्राइव मोड्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं जैसे कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्नो और भी कुछ ड्राइव मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डायनेमिक चेजी कंट्रोल होने की वजह से आपका जो सस्पेंशन है वो अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लेता है आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए। और बात करें अगर इसके स्पीड की, 0 to 100 की स्पीड क्लेम्ड है 7.2 सेकंड पे, विच इट कैन डू, क्योंकि इसे हम काफ़ी देर से चला रहे हैं और जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है। आप जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल को पुश करते हैं वैसे ही आपको पार फील होती है, तो गाड़ी काफ़ी ईजिली मनूवर्स करती है। अगर आप हाई स्पीड पे ओवरटेक्स कर रहे हैं, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में जाने में कोई भी इशू नहीं है। ओवरऑल जो अब तक का गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। 4x4 इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलता है, तो उसकी वजह से गाड़ी ऑफ रोड टेरेन्स पे और पॉट होल्स पे काफ़ी ईजिली चली जाती है। कॉर्नरिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको एजिलिटी ना लगे, बट वहाँ पे फिर डायनेमिक चेजी कंट्रोल एंड 4x4 सिस्टम वर्क करता है और आपको एक बेटर कॉर्नरिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सिंगल पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको मिलता है, हालांकि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें आपको डीजल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो हो सकता है कुछ बायर्स के लिए सिंगल पेट्रोल इंजन थोड़ा सा एक टर्न ऑफ पॉइंट हो, बट ओवरऑल जो ये 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है ये आपको इनफ पावर और टॉर्क प्रोवाइड करता है फॉर योर डेली राइड, फॉर योर हाईवे कम्यूट एंड योर ऑफ रोड ट्रेल्स। स्कोडा कोडियाक एक डेफिनेटली वेल शॉफर ड्रिवन SUV है। अगर आपको एक प्लश एक्सपीरियंस चाहिए ऑन द बैक सीट, सस्पेंशन काफ़ी बेटर ट्यून्ड है, ओवरऑल आपको जो यहाँ पे राइड और स्टेबिलिटी मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, आपको यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं फील होंगे। सो स्कोडा कोडियाक आपको ऑफर करती है एक पावरफुल इंजन, कंफर्टेबल राइड, काफ़ी सारे फीचर्स और एक स्ट्रॉन्ग SUV लुक। प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइस स्टार्ट होता है 37.99 लाख रुपीज़ से और जाता है 41.39 लाख रुपीज़ तक। स्कोडा कोडियाक में आपको 3 वेरियंट्स मिलते हैं, स्टाइल 80, स्पोर्टलाइन 80 एंड दिस इज़ द टॉप एंड LNK 80। ओवरऑल जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, टर्बो पेट्रोल इंजन काफ़ी पावरफुल है, इनफ टॉर्क इनफ पावर आपको यहाँ पे मिल जाता है। 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ आपको ये हर टेरेन पे ले जाने के लिए कैपेबल है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो गाड़ी का फीचर ऑफरिंग एंड इंजन ऑफरिंग है वो काफ़ी अच्छी है।
बट कहीं ना कहीं जो इसके प्राइमरी राइवल्स हैं जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड जीप मेरिडियन, उन दोनों में ही डीजल इंजन आपको मिलता है. बट एट दिस प्राइस पॉइंट ओनली अ सिंगल पेट्रोल इंजन माइट टर्न ऑफ सम ऑफ द पोटेंशियल बायर्स. तो यहाँ पे अगर एक हाइब्रिड या फिर डीजल इंजन का ऑप्शन होता तो कोडियक और एक बेटर ऑप्शन हो सकता था थ्री रो एसयूवी सेगमेंट में. आपके क्या व्यूज हैं स्कोडा कोडियक को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.